घर वालों से जिद करके एक अच्छा DSLR ले लिया और थोड़ी बहुत सेविंग्स करके एक प्राइम लेंस भी ले लिया है, बट फिर भी पोर्ट्रेट्स में वो क्वालिटी, वो क्रिएटिविटी, वो मज़ा नहीं आ रहा है जो हम इंस्टाग्राम पे बाकी पोर्ट्रेट्स में देखते हैं। वेल, गलतियाँ तो हैं, क्योंकि टॉप क्वालिटी के गियर्स होने से वो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता है, बट तुम्हारे पास अगर क्रिएटिविटी है और बेसिक फंडामेंटल्स एकदम क्लियर है ना, तो रियलमी के फ़ोन से भी सोनी के कैमरा को टक्कर देने लायक पोर्ट्रेट्स आराम से खींच सकते हो। अब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ DSLR वालों के लिए नहीं है, आपके पास अगर कोई नॉर्मल डिजिटल कैमरा है या इवन अपने फ़ोन से आप पोर्ट्रेट शूट करते हो तो इन चीज़ों को अप्लाई करके आप अपनी पोर्ट्रेट्स में इंस्टेंट क्वालिटी अपग्रेड देख सकते हो। तो हमारी पोर्ट्रेट्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि पोर्ट्रेट एक बेसिक सोलो या फिर कैंडिड शॉट है किसी इंसान की, जिसमें बहुत ही मिनिमल से एलिमेंट्स हों उसके बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में। बेसिकली सब्जेक्ट का जो फेस है वो मेन फोकस में रहेगा पूरी फोटो में। अब फ्रेम में अननेसेसरी एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। भाई पोर्ट्रेट है, कोई रोडवेज की बस थोड़ी कि जितना चाहे बढ़ते जाओ। तो कोशिश करना फ्रेम में थोड़ा फ्री स्पेस रखने की या फिर बहुत मिनिमल से एलिमेंट्स को ऐड करने की, जिससे व्यूअर का जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए हमारे सब्जेक्ट से। तो जब तक सब्जेक्ट की स्किन टोन्स में वो नेचुरल टेक्सचर और वो रेडिश ऑरेंज वाला टोन नहीं होगा, तब तक वो पोर्ट्रेट एकदम बेकार ही होने वाली है। याद रखना, हम कोई मिल गया के जादू की शूटिंग तो कर नहीं रहे हैं, एक नॉर्मल पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट के फेस पे पूरा फोकस होने वाला है। तो स्नैपचैट के वो फैंसी और कूल दिखने वाले जो फिल्टर्स होते हैं उन्हें यहाँ मत अप्लाई कर देना, बहुत वाहियात लगता है, सच में बहुत वाहियात लगता है। अब कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में अननेचुरल स्किन टोन्स आ सकती हैं, तो उनको आप पोस्ट प्रोसेसिंग में भी आराम से ठीक कर सकते हैं। आपको बस अपनी फोटो का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ड्रॉप करके कूल साइड में लेके आना है, और जो टिंट है वो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हल्का सा मैजेंटा वाला लुक हमारी फोटो में आ जाए। सो पोर्ट्रेट्स में जब तक वो डेंस बैकग्राउंड ब्लर ना हो, हर चीज़ इनकम्प्लीट ही लगती है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। आखिरकार इतना महंगा लेंस लिया है हमने, अब अगर उसको हम लोग वाइडेस्ट अपर्चर पे यूज़ ना करें तो फ़ायदा क्या, जब तक आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं। बट जैसे ही इंडोर पे शिफ्ट करते हैं तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अब अपर्चर यहाँ दो चीज़ें कंट्रोल करता है, नंबर वन डेप्थ ऑफ फील्ड, और नंबर टू कितनी लाइट आपके कैमरे सेंसर पे गिर रही है। तो आउटडोर में हमारे जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच की डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एक डेंस ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है। बट इंडोर में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हमें बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में नहीं मिलती है, तो बैकग्राउंड ब्लर को तो बिल्कुल भूल जाओ। तो यहाँ वाइड अपर्चर हमें लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हर बार सिर्फ ब्लर काम नहीं आएगा, हमें पोर्ट्रेट की स्टोरी पे भी थोड़ा फोकस करना है। तो ट्राई करो स्टोरी पे फोकस करने की, जिससे व्यूअर का जो ध्यान है वो हमारी पोर्ट्रेट पे ही बना रहे और वो बिना कैप्शन पढ़े ही सारी स्टोरी समझ जाए। और अपर्चर के बारे में अगर डेप्थ में जानना है तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और अंडररेटेड मिस्टेक है जो हम सबसे कभी ना कभी अनइंटेंशनली हो ही जाती है। देखो, जितने फोकस से आप इंस्टाग्राम पे कुछ स्पेशल फोटोज़ को जूम करके देखते हो, बस उतना ही फोकस चाहिए हमें हमारी पोर्ट्रेट को कैप्चर करने में भी। ट्राई करो सब्जेक्ट की आंखों पे फोकस करने का, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हमें किसी के साथ कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले वो आंखों के साथ ही बनता है। अब उस लेवल की शार्पनेस अटेन करने के लिए हमें हमारी जो शटर स्पीड है उसको फ्रेम रेट के जस्ट डबल सेट करना है, जिसको हम फोटोग्राफी टर्म्स में 180 डिग्री शटर रूल के नाम से जानते हैं, और इस चीज़ से आपकी पोर्ट्रेट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। बट एक चीज़ जो आपको परफेक्ट पोर्ट्रेट खींचने से रोक रही है वो है एक्सपेरिमेंट करना, इन सब गाइडलाइंस को एज रूल्स फॉलो करना। भाई ये सब गाइड्स हैं, रूल्स नहीं। अरे बनाओ अपनी तरह से फ्रेमिंग, नई नई कॉम्पोजिशन को ट्राई करो, भूल जाओ एक्सपोजर ट्रायंगल और शटर रूल्स को, फेस पे अलग अलग कलर्स मार के तो देखो, अपने सब्जेक्ट को जादू बना के तो देखो, तभी तो ना लोग बोलेंगे कि ये कुछ अलग है, इसको यूट्यूब पे नहीं मेंटल हॉस्पिटल। बट ऑन अ सीरियस नोट, आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना नया सीखने को मिलेगा। दिमाग में पड़ी हुई क्रिएटिविटी को बाहर निकालो और फिर देखो कैसे इंस्टाग्राम पे लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, दिल खुश हो जाएगा, जैसे मेरा दिल खुश होता है जब आप इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करते हो। और अगर फोटोग्राफी से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।